आगरा में रात 2:30 बजे तक चलती दारू पार्टी इस बात का सबूत है कि पुलिस और कथित कैफे वालों के बीच में 60-60 से सारा काम चल रहा है। मामला तब सामने आया जब रात के 2:30 बजे MG रोड स्थित नंबर 1 रूफ टॉप कैफे में काम करने वाले कर्मचारी को गोली लगी। जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट है नंबर 1 MG रोड पर, परसों देर रात उसमें फायरिंग की घटना हुई है और उसके कर्मचारी को गोली लगी। क्या नाम है उसका? पुलिस को जब ये ज्ञात हुआ, इसके बाद पुलिस ने पूरी जाँच कर पूरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर दी है और आगे विवेचना की जा रही है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जानकारी हुई कि इस दौरान कुछ रईस ज्यादे दारू के नशे में पार्टी कर रहे थे, तभी किसी ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और गोली कैफे में काम करने वाले एक व्यक्ति को लगी। हालांकि कैफे मालिक ने चुप्पे से गुपचुप तरीके से पीड़ित को अस्पताल पहुँचाया और जहाँ इलाज कराया। मनीष भैया, मेरे को कुछ नहीं बताना है, ऐसे बताओ। अच्छा, गोली कहाँ कैसे लगी ये तो बता दो भैया। ये मीडिया वाले आए मेरे पास में, पीड़ित से पूछा कि गोली कैसे लगी, तो पीड़ित ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसने कहा, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताना। इतना ही नहीं, फ़ोन करके किसी से ये कह रहा है, भैया मीडिया वाले आए हैं। इस बात से साफ है कि जो कुछ हुआ है उसे गुप्त रखा जाता है।